नमस्कार दोस्तों, तो बिहार सरकार की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है जो कि देख सकते हैं यहाँ पे दिनांक आपको दिखाई दे रहा है 10/5/2021, यानी कि आज ही के दिन और अभी अभी ये लेटर जारी हुआ है। और इस लेटर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी आंगनबाड़ी से रिलेटेड नया इन्फॉर्मेशन है आपके साथ मैं शेयर करता रहूं। तो चलिए चलते हैं अपने लेटर की ओर। और यहाँ पे बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशालय बिहार की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है। संचिका संख्या यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको 2717, और प्रेषक में आपको यहाँ पे अनुश्रवण पदाधिकारी ICDS निदेशालय, जो कि ICDS निदेशालय की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है। और यहाँ पे सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, यानी कि ये लेटर पूरे बिहार के लिए ये लेटर जारी हुआ है। और इस लेटर में विषय है, देख सकते हैं यहाँ पे विषय माह मई 2021 का पोषाहार वितरण करने के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। तो यहाँ पे बता दूँ मैं आपको कि ये मई का महीना चल रहा है, उसी में आपको ये पोषाहार वितरण करने के संबंध में इस लेटर में आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो यहाँ पे लिखा गया है उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि माह मई 2021 का आवंटन प्राप्त करा दिया गया है। राशि निकासी करते हुए COVID-19 आपदा में माह मई 2021 का पोषाहार दिनांक 11 मई 2021 से 20 मई 2021 तक कूपन या टोकन के माध्यम से वितरण करते हुए दिनांक 22 मई 2021 तक का पोषाहार वितरण प्रतिवेदन एक्सेल शीट में अनुश्रवण पदाधिकारी के ईमेल आईडी पर उपलब्ध कराया जाए। अतः सभी आंगनबाड़ी सेविका महिला पर्यवेक्षिकाओं को निर्देशित करें कि आप सभी लाभार्थियों को माह मई 2021 का 100% पोषाहार वितरण निर्बाध रूप से कराना सुनिश्चित किया जाए। तो यहाँ पे इस लेटर में साफ साफ बोला गया है कि जो कहते हैं राशि निकासी करते हुए COVID-19, जो कि अभी COVID-19 कोरोना का समय चल रहा है, यहाँ पे बताया गया है 11 मई 2021 से 20 मई 2021 तक कूपन या टोकन के माध्यम से, जो आप लोग कूपन या OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से आप लोग वितरण करते हैं, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे 11 मई 2021 से 20 मई 2021 तक कूपन या टोकन के माध्यम से आपको वितरण करते हुए 22 मई 2021 तक पोषाहार वितरण प्रतिवेदन एक्सेल शीट में आपको इस ईमेल आईडी पर आपको उपलब्ध करा देना है। तो इस लेटर में जो जानकारी थी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि आप लोगों को इतने तारीख से इतने तारीख तक आपको पोषाहार वितरण कर देना है। और चूँकि अप्रैल माह में भी जो डेट अंतिम डेट बताया गया था कि 10/5/2021 तक आप लोगों को पोषाहार वितरण कर देना है, जो कि आज 10 तारीख है, तो उसके बाद डेट आप लोगों को आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।